सो पीपल व्हाट्स अप। वेल, मेरा नाम प्राण सिंह है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉटल बिहार से हूँ। पेशे से मैं, माई प्रोफेशन में एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, एक फिल्म मेकर। फिल्में बनाया हूँ, बहुत सारी फिल्म बनाया हूँ। ये जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई उसके बारे में आज बात करूँ। वेल, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि मैं अपने लाइफ के जर्नी को बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से मेरे लाइफ की जर्नी चेंज हुई। आमिटी यूनिवर्सिटी में, और आमिटी ने कैसे मेरे लाइफ को चेंज किया, किस तरीके से मैं क्या करने आया था, क्या पढ़ने आया था, और मैं कहाँ से कहाँ उस चीज़ को लेकर के चला गया जो मेरा बचपन से यू नो हॉबी था, यू नो इट इज़ लाइक ड्रीम कम ट्रू, वो मैं आज कर लिया, अचीव हो गया। स्टिल मेनी मोर। सो ये फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक प्रोफेसर अमित सिन्हा सर, थैंक यू सो मच कि हम सब एलुमनाई को आपने इस स्टेज पर फिर से एक बार कनेक्ट किया, सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू, एनी थिंग। मतलब यू हैव कनेक्टेड एवरी एलुमनाई हु इज वंस अ अमिटियन। थैंक यू सो मच प्रोफेसर अमित सिन्हा सर, थैंक यू सो मच ABS अमिटी बिजनेस स्कूल फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव, थैंक यू सो मच अमिटी यूनिवर्सिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट कि मेरा जर्नी कैसे रहा। हालांकि मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी से एक कोर्स नहीं, काफ़ी सारे कोर्सेज किए, 4-5 कोर्सेज कर रखा हूँ मैं। सो अमिटी मेरा, मुझे बहुत प्यारा है, मतलब आई लव अमिटी। आई हैव लिसन लेक्चर फ्रॉम डॉक्टर अशोक चौहान सर, हु इज़ द फाउंडर ऑफ अमिटी यूनिवर्सिटी। ही हैज सेड वंस अ अमिटियन इज ऑलवेज बी एन अमिटियन। सो कहीं ना कहीं वो मैंने अपने अंदर ले लिया, वंस अ अमिटियन इज ऑलवेज बी एन अमिटियन। सो मैं बहुत सारे कोर्सेज किया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिलोसफी, डिप्लोमा, मेनी थिंग्स, बहुत सारे कर रखा हूँ अमिटी से। तो रही बात ABS की, अमिटी बिजनेस स्कूल ने एक इनिशिएट लिया है जहाँ पर सारे एलुमनाई को वो कनेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से वो कनेक्ट करके, कनेक्शन करके, यू नो एक एलुमनाई एक मीट कर रहे हैं, एक इनिशिएट, इट्स अ गुड इनिशिएट वेयर मेनी पीपल कैन कनेक्ट, पीपल हु आर पास्ड आउट फ्रॉम अमिटी इन वेरियस पास्ट ईयर्स, तो वो कैसे कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। ये बहुत अच्छा है इनिशिएट प्रोफेसर अमित सिन्हा सर के लिए, उनके थ्रू ये दिया गया है, थैंक यू सो मच सर। वेल, मैंने BBA किया था 2010 से 2013 का बैच था मेरा अमिटी BBA, और उस समय BBA में एक ही सेक्शन था, ऐसा कुछ ज़्यादा सेक्शन नहीं था। हमारे यहाँ 75-84 स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे, कुछ लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में छोड़ दिया। वेल, BBA इसलिए करना था, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं बहुत चलती है, तो फादर ने कहा कि पढ़ना तो है, कुछ करना तो है, नौकरी करना है, तो कर लो, ट्वेल्थ कर ली और BBA वगैरह कर लो। और वो चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर लूँ, और हालांकि मैं वो नहीं किया, आई एम सॉरी फादर, बट मैं एक बिहार का एक लड़का जो एक सपने लेकर के आया था कि यार चलो कुछ करूँगा, एक अच्छे जगह एक अमिटी जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, कुछ तो करूँगा लाइफ में आगे बढ़ूँगा। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह हुआ, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया गया, तो उस समय 2 कैंपस हुआ करता था, शायद वो स्कूल हो गया है अमिटी इंटरनेशनल स्कूल हो गया और मेन कैंपस, तो VKC कैंपस था और एक MOC कैंपस था। तो VKC कैंपस में हमारा एंट्रेंस वगैरह सारा चीज़ हुआ, नहीं उसमें हम लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल किया, फिर वहाँ से हम लोगों को बस से लेकर के आया गया MOC, दैट इज मल्होर कैंपस, मल्होर मैंगो ऑर्चिड कैंपस और मल्होर कैंपस। तो वहाँ पर हम लोग आए बस से, यार बिल्डिंग देख कर को तो मतलब ऐसा रहा यार, मतलब यहीं पढ़ना ही, मतलब अब है ही नहीं कहीं, इन्फ्लुएंस हो गया, मतलब ऐसा लगा कि यार कुछ है ही नहीं, इन्फ्लुएंस हो गया ऐसा कि। और उस समय मैं निकला था तकरीबन 10-12 कॉलेजेस का एंट्रेंस देने के, तो ये तीसरा या चौथा एंट्रेंस था मेरा अमिटी। मैंने वहीं से शाम की ट्रेन की टिकट ली, पटना गया, बोला कि नहीं मुझे अब देना ही नहीं है, मैं यहीं पढ़ता हूँ। इन्फ्लुएंस ऐसा हो गया, वो लंच वंच कराया गया दोपहर में, तो वो एक जर्नी रहा, वो मज़ा आ गया भाई, वो स्वीट मिठाई टाइप खिलाने मिले, मुझे लगा तो यार अब तो हो
हॉस्टल में कैंटीन में इसी तरह के खाने मिलेंगे यार, मज़ा आ गया। फिर क्या हुआ कि एडमिशन लिया, ये सारी चीज़ें रही, हालांकि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फर्स्ट ईयर में मैं हॉस्टल में था, तो फर्स्ट ईयर में मैथ्स था, इकोनॉमिक्स था, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स था, समझ में नहीं आ रहा था, सोच रहा था छोड़ दो क्या, क्या करूँ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो सडनली मेरे क्लास में मेरा एक क्लासमेट था, उसको फोटोग्राफी का बहुत शौक था, हालांकि मुझे भी था, पर मैंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि यू नो वो DSLR कैमरा है, उससे भी हुआ करते थे। उस समय ये कैमरा नया लॉन्च हुआ था, हालांकि पहले का था पर डिजिटल रूप में तो उस टाइम आ गया था, 2010 की बात है। तो मुझे लगा यार काश मेरे पास होता, ना जाने मैंने एक सपना देखा, किस तरीके से अपने पिताजी को कन्विंस किया, और बहुत मुश्किल समय पिताजी का था उस टाइम, मतलब पैसे को लेकर के, फाइनेंशियल चीज़ें को लेकर के बहुत मुश्किल था उस टाइम। उन्होंने कैमरा खरीद लिया, तरीके के पास कैमरा आ गया, सपने हो गए, कैमरा लेकर के वो लखनऊ आ गया और फोटोग्राफी कराने लगा, अपने फ्रेंड्स की, कॉलीग्स की, मतलब एवरीबडी की, स्टूडेंट्स फैकल्टी सब की तो अप्रिसिएशन मिलने लगी। मुझे वाइल्ड लाइफ और नेचर फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है, तो मैंने उस तरह की फोटोग्राफी की, लखनऊ में बहुत सारी फोटोग्राफीज की, बहुत सारी चीज़ें की, बहुत सारी चीज़ें लगी, तो बहुत फोटोग्राफी, बहुत कॉम्पटिशन में पार्टिसिपेट किया। तो यूँ ही एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे एक कैंपस के जो हेड वाइस चांसलर है, मतलब द हेड ऑफ दिस कैंपस, सो मेजर जनरल KK होरी सर, उन्होंने मेरी फोटोग्राफ्स फेसबुक पर देख ली। क्लास चल रहा था हमारा, शायद वो ऑप्शनल क्लास चल रहा था, मेरा HR मैंने लिया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो मेरे साथ दिवाकर बैठा था, मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो भाई वो आए कि आपको ओरी सर ने बुलाया है, तो भाई मुझे लग गया कि मैंने क्या किया भाई, अब मैंने कुछ किया नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ क्या, मतलब ओरी सर ने मुझे बुलाया क्या है, कि वो क्या प्रॉब्लम आया क्या नहीं आया। फिर मैं डरते डरते दिवाकर से पूछा, तो उसने बोला क्लास कोऑर्डिनेटर से मिल के जाना। तो मेरी क्लास कोऑर्डिनेटर सीमा वाली नाम है, उन्होंने बोला कि प्राजल तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा भाई, इसीलिए तुम्हें बुलाया जा रहा है, गो एंड मीट। मैंने दिवाकर को बोला कि प्लीज़ चलो मेरे साथ और मुझे हेल्प करो वहाँ मिलने के लिए। तो वहाँ पर गया, सर ने मुझे अपोजिट किया, जो अप्रिशिएट किया कि तुम फोटोग्राफी करना चाहते हो और उनको भी कहीं ना कहीं से शौक है फोटोग्राफी करने का, सो उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि लाइफ में जो करना चाहते हो वही करो। और वहाँ से जो मेरे एक लाइफ में करियर चेंज आया, पहले भी मैं कॉलेज में फोटोग्राफी करता था, पहले भी था, तो कहीं यू नो आलोचक भी होते हैं, प्रशंसक भी होते हैं, तो क्रिटिसिज्म हैप्पीनेस चलते रहता था, इट इज़ आई डोंट माइंड जाने दो, तो बहुत सारी चीज़ें होते रहती। तो जब सर ने ये कहा और उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारे सेमिनार्स MIT में होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते थे MIT लॉ स्कूल के, MIT इंजीनियरिंग के, तो वहाँ पर मेरे बारे में एक एग्जाम्पल जब कहा तो लोग मुझे आकर बोला है अरे साले तुम्हारे चलते मुझे ये सब सुनना पड़ रहा है, अब तुम कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मैंने बोला यार क्या। तो वो एक स्पार्क वहाँ से जो मिला कि सम सीनियर पर्सन हैज रिस्पेक्टेड यू, उन्होंने मुझे बोला कि आप MIT स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन में जाइए, ESCO में, वहाँ पर आप HOD से मिलिए और वो आपको बताएंगे क्या करना। तो मैं ESCO में आया BBA करते हुए, और मैं वहाँ से आने के बाद मैंने अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला, प्रोफेसर संजय मोहन जोड़ी सर से, उन्होंने मुझे त्रिलोचन सर से मिलाया, त्रिलोचन सर फोटोग्राफी के टीचर हैं, वो वहाँ से मुझे सिखाए। हालांकि मुझे फोटोग्राफी आती नहीं थी, ऑनेस्टली मुझे सीखने की चाह थी, मैं सीखना चाहता था, मैं एक्सपेरिमेंट करता था, कहीं से ज्ञान वैन विद्या उद्या मिली नहीं, तो उस टाइम यूट्यूब वगैरह इतना था नहीं, तो जो जिससे सीख लिया उससे भाई अपना सीख के अपना चलाते रहा, चलते रहा, काम बन रहा था, काम हो रहा था। फिर वहाँ से क्या हुआ, जब लोग रिकॉग्नाइज करने लगे, लोग जानने लगे, लोग आगे बढ़ने लगे, लोग सारी चीज़ें करने लगे, तो ये करियर में फ्लो आया, और फ्लो आते 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 आर्मिटी ने
मुझे इस तरीके से एक यू नो एक लीडरशिप क्वालिटी थी, मेरे अंदर मोटिवेशन दिया। प्रोफेसर जनरल के ओरी सर ने जो मुझे मोटिवेशन दिया, जो एमिटी के यू नो जगह मुझे मोटिवेशन मिला, दैट इज सो मच बेनिफिटेड इन माई लाइफ दैट इन 2020 बाई देयर मोटिवेशन आई एम स्टिल डूइंग सेम वर्क विथ मोर पैशन मोर एनर्जी। शायद अगर वो मोटिवेशन मुझे उसे नहीं मिला होता तो वो सारी चीज़ें अगर नहीं तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। तो वहाँ से खैर मैंने फोटोग्राफी वगैरह अपना शुरुआत किया और काफ़ी लोगों के फोटोग्राफी किए, तो कुछ कुछ मुझे कॉमर्शियल काम मिलने लगे, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी करना, जैसे प्रिंट मीडिया से काम करना। अमेजोन उस समय नया नया इंडिया में आया था, तो ई कॉमर्स मार्केटिंग होती थी, किसी भी मॉडल्स को आप पकड़ करके उनके साड़ी का या कुछ किसी छोटे छोटे प्रोडक्ट्स का ऐड कराना, तो वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे कमा लेता था। तो भाई ये ऐसा हुआ कि सर ने जो कहा, ये 5000 स्टूडेंट्स हमारे लखनऊ में थे, ये पूरा फैल गया। और लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली रीजन तक, एमिटी दिल्ली तक मुझे बहुत सारे काम आने लगे। भाई यहाँ लड़का पढ़ भी रहा है, कमा भी रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। तो भाई मैंने वहाँ से मेरा जो इट एमिटी ने मेरे करियर को ही नहीं, मेरी पर्सनालिटी को भी ग्रो किया। और इट इज़ नॉट अबाउट मी, एवरीबडी, आप किसी भी स्टूडेंट्स को एमिटी में जाते हुए देखोगे ना, उसका करियर ग्रोथ ही नहीं, उसकी पर्सनालिटी ग्रोथ होती है, उसका यू नो द टॉकिंग स्किल्स, द मैनर, एटिकेट्स, कि आप किससे मिलते हैं, कहाँ बैठते। रीज़न यही है कि एमिटी यूनिवर्सिटी एक सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग आते हैं, डिफरेंट सिटीज़ एंड डिफरेंट स्टेट्स एंड कंट्री, हर जगह के लोग आकर के वहाँ पढ़ाई करते हैं। हम बहुत सारे लोगों से वहाँ मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तौर तरीके सीखते हैं, किस तरीके से दूसरे कल्चर्स कैसे क्या हैं, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। सेम चीज़ वैसे मैंने भी सीखा है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के कल्चर क्या है, स्टेट्स के कल्चर क्या है, कंट्री के कल्चर क्या है, तो उस टाइम एक्सपोजर मिला। फिर मेरा क्या कहते हैं BBS फिनिश होने को आया, हालांकि तब तक मैंने बहुत अच्छा करा करियर वाइज। BBA में आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, समहाउ वेरी एवरेज स्टूडेंट, चलो ठीक है कर लिया। इस दौरान जो मुझे प्रोफेसर जो मुझे मेरे कोर्स में मदद किए, प्रोफेसर अपूर श्रीवास्तव, सीमा वाली मैम, सबिया फातिमा, जयंती मैम बिजनेस लॉ पढ़ाती थी वो, और मार्केटिंग सबिया फातिमा पढ़ाती थी, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स टोटल क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव अपूर सर पढ़ाते थे, अपूर सर बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। तो काफ़ी रजनीश सर ने हेल्प किया, सचिन सर उस समय थे, तो बहुत सारे फैकल्टीज थे। आई एम सॉरी इफ आई डोंट रिमेंबर द नेम, रिकॉल द नेम, बट दे आर इन माई हार्ट, दे आर ऑलवेज बीन देयर, दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। आई वॉज अ नोटोरियस स्टूडेंट, माशी करता था, कुछ करता था, कॉलेज लाइफ में चिल करता था, घूम करता था, सारी चीज़ें थी। एमिटी ने मुझे बहुत बदल दिया करियर वाइज। बहुत सारा क्रेडिट जाता है जो लोग मेरे में विश्वास रखे, सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मुझे जो मोटिवेशन मिला, जहाँ से इंसान बदलाव एक मोटिवेशन से ही लाता है, जो उसको एक एनर्जी दे, जो सारी चीज़ें दे, जनरल KK ओरी से जो उन्होंने मुझे दिया, मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज किया। और ये सारी चीज़ें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी, जहाँ मैं पढ़ने आया था, जहाँ मैं BBA करने आया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैंने अपने करियर बदल लिया। ये सारी चीज़ों के बाद मैंने प्रेरित होकर के जब ग्रेजुएशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया, देन आई डिसाइडेड नहीं, मुझे जर्नलिज्म करना है, आई वॉन्ट टू डू अगेन जर्नलिज्म विद एमिटी यूनिवर्सिटी। फिर मैंने एडमिशन लिया ESCO डिपार्टमेंट में, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस। जो प्रोफेसर थे वो संजय सर थे, प्रोफेसर संजय सर थे, उनके गाइडेंस में बहुत सारी किया। जौहरी सर काफ़ी नॉलेज रख के आए हैं मीडिया इंडस्ट्री से। मुझे पता नहीं था कि फिल्म और टेलीविज़न का भी एक अलग सेक्शन है। मुझे ऐसा लगता था ना कि जर्नलिज्म में ही फिल्म और टेलीविज़न पढ़ाई होगा,
फिल्म्स का शुरुआत से शौक था, फोटोग्राफी का था। उस टाइम मुझे पता था कि फोटोग्राफी करना है, ये सारी चीज़ें। फिर मेरे अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी फेज आई उस समय जिसमें मैंने एक 50 लोगों का एक टीम बनाया। वो एक बहुत कम लोगों को पता है, मतलब मे भी मेरे ख्याल से जो आरबीटी से जुड़े हैं उस बैच में सारे को पता। तो मैंने वहाँ पर अपना फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो बनाया जिसमें मैंने फ्रेशर स्टूडेंट्स को के साथ काम किया। और मुझे नहीं पता था कि म्यूज़िक वीडियो कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, पर वो एक विश्वास था और एक मोटिवेशन था जो कि मुझे जनरल के ओरी सर से मुझे मिला था। मुझे ये था कि मुझे करना है, और वो एक ज़िद भी था कि मुझे करना है। कई मेहनत के बाद जा कर के मेरी नहीं, मेरी टीम की, दिस इज़ अ टीम वर्क। तो टीम वर्क के बाद जा कर के वो सारी चीज़ें एक सफल रूप में आई। मैंने एक अच्छा खासा, मेरी टीम ने, हमारी टीम ने एक म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया। बहुत सारे लोग जुड़े थे, सूर्या सक्सेना था, आदित्य था, सरहद के था, दीदी थे, मतलब मैनी मीन आदर्श उदर्श बहुत सारे लोग, कुणाल धूलिया, जॉय मोहित, हम लोग रात रात भर बैठ के म्यूज़िक बनाते थे। वीडियोस कैसे बनेंगे, कैसे काम होगा, क्या नहीं होगा, मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मैं डिसाइड किए। तो ये भी मुझे एक एमिटी मिली है। फिर मैं, मेरा जो डेवलपमेंट हुआ, मैंने एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स में ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मैं जब वहाँ से पास आउट होकर के जब मीडिया इंडस्ट्री में आया, जब फिल्म इंडस्ट्री में आया, तो मैंने कुल मिला करके अब तक 87 फिल्म्स बना रखी हैं। बहुत नेशनल अवार्ड जीता, बहुत इंटरनेशनल अवार्ड जीता, बहुत सारे फिल्म अवार्ड जीते, डायरेक्शन अवार्ड जीता, सारी चीज़ें। तो मैं, मेरा जो करियर वाइज जो टर्न था, जो कि मुझे मेरे फादर चाहते थे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, मैं सोचता था कि ठीक है चलो मैं प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर लूँगा, कुछ भी ज़िंदगी चल जाएगी। जो मेरे अंदर का एक यू नो ड्रीम था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है, ये मुझे फिल्म मेकर बनना है, वो मुझे सच में दिल से एमिटी ने बदला। एमिटी ने वो सिचुएशंस आए, उस लाइफ में ऐसे लोग मिले, ऐसे सिचुएशंस मिले जहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें अपने आप कड़ी पे कड़ी स्टेप बाय स्टेप को आगे जुड़ते चले। वहाँ से अब तक का सफ़र, मैंने कुल मिला के 87 फिल्म्स बनाई हैं, बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स बनाई हैं, बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म्स के मैं काम भी करा है। एसोसिएट खुद का प्रोडक्शन हाउस है जो 8 शहरों में है, कोलकाता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, चेन्नई, मुंबई, मेनी प्लेसेस, हर जगह अलग अलग काम हो रही है। दिन पर दिन ये चीज़ें बढ़ते जा रही हैं, मैनेजमेंट कैसे होगा। हालांकि मैंने मैनेजमेंट भी पढ़ाई किया, हालांकि उसके बाद मैंने MBA भी पढ़ाई किया था IIT से, तो यही होता, डिप्लोमा भी पढ़ाई किया है डिजिटल मार्केटिंग। तो ये सारी चीज़ें मेरे बिजनेस में मुझे बहुत सारा योगदान दिया। मैं क्रिएटिविटी जान लिया, क्रिएटिविटी मेरे अंदर था, उसको सही आकार मुझे प्रोफेसर्स के थ्रू मिल गया, गाइडेंस मिल गया कि किस तरीके से कैसे काम करेगा। उसके बाद मैंने क्रिएटिविटी के बाद मैनेजमेंट सीख लिया, मार्केटिंग सीख लिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया। ये सारी चीज़ों को लेकर के मैंने एक पैकेज बना लिया, और जो भी लाइफ में मेरे जो स्टडीज़ में ग्रोथ हुआ, जो भी चीज़ें हुआ, जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, जिस तरीके से मैं आगे बढ़ा, बेस एमिटी था। सो दिस वॉज द बेस। इट मतलब आई वॉज अ ट्री, मतलब प्लांट था, प्लांट ग्रो हुआ, तो जो सॉइल था ना वो एमिटी था। एमिटी बिजनेस स्कूल जो मेरा सबसे पहला इंस्टीट्यूट था, सबसे पहला चीज़ था जहाँ पर मैंने सबसे पहला अपना सब कुछ किया था, वो सारी चीज़ें थी। सो आई लिटरली वॉन्ट टू थैंक एमिटी, थैंक यू एमिटी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एलुमनाई टीम, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पीक सो मच ऑफ लेंथी वीडियोस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि बहुत लेंथी हो गया। थैंक यू प्रोफेसर अमित सर, थैंक यू ABS HOD डिपार्टमेंट हेड, थैंक यू वाइस चांसलर ऑफ एमिटी, थैंक यू फाउंडर ऑफ एमिटी, थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन। आई प्रांजल, once I'm Indian, it's always be an Indian. Jai Hind, Jai Bharat.
Tana Tana De 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 De